नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में। और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। स्कूल कॉलेज से मिली डिग्रियों को लेकर देश के कई राजनेता विवादों में रह चुके हैं। हालांकि कई भारत की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले कई दिग्गज नेताओं के लड़के लड़कियों ने देश विदेश में हायर एजुकेशन हासिल कर अपनी हटकर पहचान बनाई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे एनटी रामा राव की पोती और मौजूदा सीएम चंद्रबाबा नायडू की बहू और तमिलनाडु ब्राह्मणी को उनकी खूबसूरती और अच्छी एजुकेशन के चलते सोशल मीडिया पर ब्यूटी विद ब्रेन महिलाओं की लिस्ट में रखा गया। 23 जनवरी 1983 को जन्मे नारा लोकेश आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबा नायडू के बेटे हैं। लोकेश ने पिट्सबर्ग की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्योतिरादित्य भारत सरकार के रेल मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। दिवंगत माधवराव सिंधिया के बेटे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की डिग्री ली है। सचिन पायलट वे यूपीए 1 में केंद्रीय राज्य मंत्री और यूपीए 2 में स्वतंत्र प्रभार मंत्री रह चुके हैं। 7 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जन्मे सचिन पायलट अजमेर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस सांसद हैं। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए, आईएमटी गाजियाबाद से मार्केटिंग का डिप्लोमा किया। नहीं, बार्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया से एमबीए की डिग्री ली। जयवर्धन सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह के बेटे ने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बैचलर और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की है। वरुण की स्कूली पढ़ाई दिल्ली के ऋषि वेली स्कूल और मॉडर्न स्कूल से हुई है। वहीं उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इकोनॉमिक्स में बीएससी की डिग्री ली है।